एक बार और मार से। बस बंद कर दे, चाबी पूरी घुमाते बंद कर। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके ताल लालसोट में एक बार फिर से। तो दोस्तों देखो, ये अल्टो है और ये इन सरजी की गाड़ी है। इन सरजी की गाड़ी कहीं यार कितने किलोमीटर दूर बंद हुई थी, 15-20 किलोमीटर दूर बंद हुई है। और ये हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहता है इनका गाँव में। तो इनको किसी और के दिखाए तो उस मैकेनिक ने बता दिया भाई इसकी कोयल खराब है। कोयल खराब बताई ना, क्या खराब यानी ये ना कोयल वगैरह ना इसकी ये खराब बता दी। और यूँ बोल दिया इसमें सप्लाई नहीं आ रही, ये सब होएगा इसमें मतलब। जबकि इसमें एक छोटा सा काम है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो तरीका भी बता देता हूँ चेक करने का, ताकि आपके साथ भी हो जाए तो आप डायरेक्ट उसको चेक करके ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन ना आए। तो मैं रुको दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों ये देखो, इन्होंने काफ़ी खुलवा का चेक किया, एयर क्लीनर रखा है इसका, अंदर रखा है गाड़ी में या वो। तो देखो इन्होंने काफ़ी जगहों पर यानी खुलवाया भी है और उन्होंने क्या क्या ख़त्म बताया उनको, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, इसकी करंट सप्लाई नहीं आ रही, इसमें करंट सप्लाई नहीं कर रही गाड़ी, ऐसा ऐसा इनको बोल दिया। लेकिन मैं सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनते ही मेरे को पता लग गया इसमें मिस्टेक क्या है। जैसे आपको बताऊँ, देखो सेल्फ लगाऊँ, सेल्फ लगाना एक बार न्यूट्रल करके, देखो आप लोगों को भी सुना देता हूँ। और बैटरी भी डाउन, चाबी है ना, न्यूट्रल कर लेना आप, सेल्फ लगाओ। लगाओ लगाओ लगाओ, बैटरी डाउन है, एक सेकंड में बैटरी लगा। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों घुमाकर, ताकि आप लोग गाड़ी में हो तो आप भी सेम तरीका अपना लें। तो देखो आप लगाओ सेल्फ। अब दोस्तों देखो ये इंजन की आवाज़ बता रही है, बस 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 बस, यानी बिल्कुल फ्री घूम रहा है इंजन, है ना। तो इसका मतलब दोस्तों यानी इंजन की जो राउंड है ना उसमें आवाज़ में चेंजेस आ गया बहुत तगड़ा। तो अब उसको आपको किस तरीके चेक करनी, ये आपको टेपेट कवर खोलना है, चाबी बंद कर दो आप, है ना। और सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे साइड में आपको है ना कोई भी टॉर्च वगैरह मार कर देखनी है, आप घुमाओ घुमाओ इंजन घुमाओ। हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं बैटरी की, घुमाओ हल्का सा घुमाना, घुमाओ। ये देखो इसकी कैम नहीं घूम रही, इसका मतलब है इसकी टाइमिंग बेल्ट टूट चुकी है, सिंपल सा है। वैसे तो इंजन की आवाज़ से पता लग जाता है दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बता दूँ, देखो इसमें इसकी टाइमिंग बेल्ट टूट चुकी है, इस वजह से इसमें ये फायरिंग नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये चीज़ें जब टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है तो ये फायरिंग नहीं देते हैं। चाबी बंद कर दो। अब ये तरीका है सिंपल सा, इसको खोल के अगर आपकी गाड़ी अचानक कहीं भी स्लो में बंद होती है ना अचानक, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इसमें छेद में चेक करना है भाई ये घूम रही है या नहीं घूम रही इसकी कैम। ये ढक्कन खोल के कोई सी भी गाड़ी हो आपकी, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाए भाई बेल्ट टूट चुकी है। बेल्ट टूटने बाद में कैम घूमना बंद कर देती है, जिससे क्या सिर्फ क्रैंक क्रैंक घूमती है। तो चलो अभी खोलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ देखो पूरी क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या है स्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये देखिए दोस्तों, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ कितना, ये देखो अभी ये मैं दिखा देता हूँ। और देखो कस्टमर भी यहीं है हमारे साथ में ही है, इनके सामने ही खोल रहे हैं हम अभी। इसे खोलने में ये मान के चलिए 15 मिनट लगी होगी ना, देखो कस्टमर के सामने खोली है, 15 मिनट में खोली है सिर्फ, ये 15 मिनट लगती है इसे डालने में, ये देख लो। चलो ये मंगवाते हैं, ये लाता हूँ मैं, फिर उसके बाद दिखाता हूँ देखो फिट करने का जो भी है। सिर्फ ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, इसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा देखो आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये बेल्ट ले आए हैं नई। अब ये बेल्ट है ना, देखो एक चीज़ और बता दूँ डालने के बाद में, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। वैसे भाई चलने को तो ये काफ़ी लंबा भी चल जाती, लेकिन ये है कि मैं है ना 40-50 हज़ार रुपये चेंज करता हूँ मेरे यहाँ पर, मेरे कस्टमरों की बेल्ट, मतलब 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद में मैं हटा देता हूँ और नई डाल देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं चलवाता हूँ। तो चलो अभी इसको फिट करवाते हैं, करो फिट। इसका टाइमिंग मार्कर दिखा देता हूँ, चलो आपको एक से मिला देता हूँ। तो ये देखिए मैंने टाइमिंग मार्कर भी लगा लिया है, तो एक सेकंड आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक मिनट लाइट जला लेता हूँ दोस्तों, ये जल्दी लाइट है ना। अब देखो ये नीचे का है ना, देखो ये काटर का निशान है, और काटर के जस्ट ऊपर ही है ना सिद्ध में देखो एक तीर का निशान है छोटा सा, यानी ऑयल पंप के ऊपर देखो, इससे मैच करना पड़ता है काटर का। और यहाँ पुली पर भी है ना ये इसका सिद्ध का है ना ये निशान, यहाँ पर एक छोटा सा निशान है, उसको इसके सेंटर में मैच करना पड़ता है। बस ये मैच कर दो, और ऊपर देखो आपको एक तो ये कट है ना, ये कट इसके ऊपर जाकर ये देखो आप, ये गिरारी में भी कट है देखो, ये रहा देखो आपको दिख जाएगा, ये देखो है ना ये रहा, इसको है ना ये सामने तीर है ना इसको मैच करना है, सिंपल सा। और आँख मीच कर बेल्ट पहना दो बस, ये लगाओ भाई बेल्ट, देखो भाई लगा रहा है, अभी रुको बेल्ट लगा लें दो।
फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसका आई डीलर है ना, इसको ढीला करना पड़ता है थोड़ा सा। ये इसको ढीला किया, ढीला करने के बाद में ये यानी इसको टाइट करने का यानी एडजस्ट करने का आई डीलर है, इसको ढीला करना पड़ता है बस। तो चलो कर लेते हैं। अब देखो भाई बेल्ट किनारा है प्यार से, ये बिल्कुल ग्रुप से ग्रुप मिला है। हाँ सही है, चढ़ा दो। और इस तरीके इसको चढ़ा नहीं रहती बेल्ट को बस। आइए इसमें आई डीलर में लगा दी, ये ले, ये हो गई फिट। अब आई डीलर को टाइट करके कर दो टाइट आई डीलर। अब आई डीलर टाइट करना है बस। तो दोस्तों देखो बेल्ट पिना दी और टाइट भी रख दी। अब एक चीज़ और आपको देखो पॉइंट की बात बताता हूँ। ये बोल्ट है ना, यानी इतनी टाइट होनी चाहिए कि इसमें हल्का सा जंप रहे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यानी बिल्कुल खींच के भी टाइट नहीं करनी है, वरना बहुत जल्दी टूट जाएगी। और इसे हल्का सा जंप रहे इसमें, मतलब यानी ये देखिए टाइट करने के बाद जंप रहना चाहिए, इससे लंबा चलेगी और यानी ये मान के चलिए काफ़ी बढ़िया चलेगी यानी कि। तो चलो अब ये फिट करवा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फिटिंग का काम चल रहा है, ये देखिए फिटिंग होती है। भाई फिटिंग फिट ऑन देते हैं पूरी, फिर देखो हाफ सेलर में स्टार्ट होगी गाड़ी। और देखो ये बेल्ट टूटने देखो नुकसान है जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, वो इसीलिए बोलता हूँ कि टाइम पे चेंज कराना चाहिए। जैसे ये है ना 40-50 हज़ार चलने के बाद में चेंज करानी चाहिए, इसीलिए टाइम पे चेंज करानी चाहिए। चलो फिट ऑन देते हैं पहले। तो दोस्तों ये देखिए गाड़ी कंप्लीट है, मतलब ये चीज़ें नहीं कसी बाकी और कंप्लीट है। तो अभी इससे स्टार्ट करते हैं, बैटरी लगाओ, टच करो सर जी, आप सेलफ लगाओ। बेल्ट डालने के बाद स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। लगाओ जी सेल्फ, ये देखो गाड़ी स्टार्ट। अब जो चेक करने की बात होती है वो इसमें चेक करना, भाई ऑयल के छींटे आ रहे हैं ना इसमें, ये देखो प्रॉपर आ रहे हैं हल्के हल्के, तो ये भी सही काम कर रहा है। और ये देखो सिर्फ एक बेल्ट डालते ही गाड़ी स्टार्ट। और आपको क्या क्या बता रहा था, वो कोयल ख़राब है, क्या क्या बताए थे? कोयल खराब है, चेंज होगी वगैरह, मतलब यानी इनको देखो कोयल ख़राब थी। अब वो क्या होता है यानी कोयल चेंज कर देता और भी चीज़ें चेंज कर देता, उसके बाद में भी ये गाड़ी स्टार्ट तो नहीं होती, फिर लास्ट में ये काम करता। इसका मतलब है यानी कि मोटा बहुत तगड़ा पैसा लगा देता। तो दोस्तों अब ये तरीके से बचने का तरीका, जैसे मान लीजिए उसने कोयल ख़त्म बता दी, अब अगर ये वहीं करवा लेते या इनको ये चीज़ पता नहीं होता, इन्होंने मेरे को फ़ोन कर लिया और मेरे को इन्होंने वीडियो भेज दी जो इंजन की आवाज़ सुना दी इन्होंने मेरे को, तो इंजन की आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया था भाई क्या प्रॉब्लम है। लेकिन चांस क्या होते हैं ज़्यादातर दोस्तों, ये बेल्ट टूटने के बाद में इसके हेड के बाल में बैंड आने के चांस होते हैं बहुत, यानी रेयर कंडीशन में आते हैं वैसे इन गाड़ियों में। तो इसलिए ये चीज़ें क्या, बेल्ट टाइम पर चेंज करानी चाहिए। अब ये देखो हाफ सेलर स्टार्ट है गाड़ी, चलो अब इसे कम्प्लीट करते हैं। तो दोस्तों देखो अब हम इसको ले आए हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, मतलब यानी चेक करेंगे अच्छे से, तो उसके बाद में कस्टमर को देंगे। तो दोस्तों देखो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो ये जैसे जिसके इन्होंने चेक करवाया था ना मैकेनिक के, उसने इनको कोयल ख़त्म बताई, डेलगो वगैरह में प्रॉब्लम बताई, मतलब यानी ये मान के चलिए कोयल डेलगो अगर ये नहीं डालता है तो करीबन इनके बैठ जाते हैं 8 से 9 हज़ार, उसके बाद में भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, मैकेनिक क्या धीरे धीरे टाइमिंग बेल्ट तक पहुंच जाएगा, जबकि टाइमिंग बेल्ट में ये समझ में नहीं आ रहा उस मैकेनिक को, ये पता नहीं चला कि टाइमिंग बेल्ट टूट चुकी, क्योंकि टाइमिंग बेल्ट का जो इंजन का साउंड है ना वही चेंज हो जाता है सेलअप लगाने पर जब टाइमिंग बेल्ट टूटती है। और जैसे भाई टाइमिंग बेल्ट टाइम पर इसलिए चेंज करानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर टाइम पर चेंज नहीं कराते अपन तो क्या होता है यानी जब वो टूटती है तो कई बार क्या होता है हेड के बाल में बैंड दे देती है, पिस्टन भी टूट जाता है, यानी काफ़ी मोटा खर्चा आ जाता है। लेकिन क्या होता है 80% चांस ही होता है कि नहीं आता है मारुति में टाइम बेल्ट टूटने पर, ये सारी चीज़ों में खर्चा नहीं आता, लेकिन 20% चांस होता है कि देखो आ भी जाता है, इसलिए टाइम पे चेंज करानी चाहिए। अब देखिए यानी कि मेरे को 40 मिनट लगे हैं काम करने में, और जो मैंने भी नहीं किया लड़के ने ही कर दिया, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम पकड़ी थी और लड़के को बता दें भाई ये चीज़ है। और ये देख लीजिए यानी 40 मिनट में गाड़ी कम्प्लीट है, और कस्टमर खुद यानी कि वो बोल रहा है कि यार वो मैकेनिक ने करीबन एक दिन तो पूरा घुला था वो मैकेनिक, फिर रात में टोचन करके खड़ी करके गए हैं कस्टमर मेरे पास। और उसके बाद में यानी ये देखो मैंने यानी 40 मिनट में स्टार्ट कर दिया, कस्टमर के सामने किया है सारा काम, कस्टमर खुद ही सोच रहा है यार वो मैकेनिक इतना घुल रहा था, जाने क्या क्या खोल दिया गाड़ी में और क्या क्या फिट किया उसने वापस, मैं बता नहीं सकता। और देखो कस्टमर ने मेरे को जब यानी फ़ोन किया था ना तब वीडियो भी डाली थी,
सेल की मैंने उनसे बोला था एक बार इंजन घुमा के मेरे को आवाज़ सुना दो, तो देखो वो वीडियो में डाल देता हूँ, तो वो भी आप देख लो। तो अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को। मार चला, अब छोड़, एक बार और मार से। बस बंद कर दे, चाबी पूरी घुमाते बंद कर ले। तो ये वो वीडियो है जो कस्टमर ने मेरे को पहुंचाई थी कि भैया मेरे इंजन की ये कंडीशन है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैंने उनको बोल दिया था, वहीं पर ही फोन पर ही बोल दिया था, भैया गाड़ी ले आओ, इसकी टाइमिंग बेल्ट डलेगी बस, क्योंकि इंजन की आवाज़ से ही पता लग जाता है। और जैसा आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आपको जो मैंने बताया ना टिपटिकल का ढक्कन खोल के सेलअप लगा के चेक करना, वो तरीका है। और ये पोजिशन पता कब आती है, ज़्यादातर यानी 80% क्या होता है, जब अपन स्लो में धीरे धीरे गाड़ी को चला रहे होते हैं, जैसे मैं चला रहा हूँ, देखो जैसे अपन स्लो में चलाते हैं करते हैं ना, धीरे धीरे में तभी टूटती है बेल्ट, क्योंकि जो स्लो में ही इंजन पर लोड पड़ता है। जब गाड़ी स्पीड में हो जाती है तो इंजन ज़्यादातर फ्री राउंड चलता रहता है, इसीलिए ज़्यादातर लोड पड़ता है जब रेस उठाने पर या फिर पहले या दूसरे गियर में, तभी इंजन में ये बेल्ट टूटने का चांस होता है। अगर स्पीड में किसी की टूटती है तो वो बहुत कम चांस होता है टूटने का, लेकिन काफ़ी चीज़ों में बेल्ट दे देती है और काफ़ी मोटा खर्चा ले जाती है। इन चीज़ों को टाइम से देखना है, और ये तरीका मैंने बता दिया, अगर आपकी बेल्ट वगैरह टूटे तो आप इस तरीके से प्रोसेस चेक कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को मोटा लॉस ना हो। कोई भी मैकेनिक आपको अटम सटम चीज़ें खराब बताएगा और वो बोलेगा भैया ये होगा वो होगा, ये डलेगा वो डलेगा, तो ये चीज़ें नहीं। आपके अगर बेल्ट टूटे इस पोजीशन में गाड़ी आए तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके आराम से बेल्ट टूटने वाली, और आप आराम से बेल्ट रिप्लेस करा के और आपकी गाड़ी फिर से कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कोई ना कोई बेहतरीन होगी और मैकेनिकल नॉलेज होगी जो हमेशा की तरह पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ऐसी ही मैकेनिकल वीडियो जो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, इससे पब्लिक का फायदा होता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।